नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, पटना में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। अभी से कुछ देर पहले पटना के डीएम कुमार रवि ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पटना में 10 जुलाई से कंप्लीट लॉकडाउन होगा और यह लॉकडाउन एक हफ्ते का होगा। पटना में जिस तरीके से महामारी फैल रही है, पिछले 3 हफ्ते में आपने देखा कि पटना में महामारी ने भयावह रूप ले लिया है, कहीं भी नहीं बचा है। सीएम हाउस तक कोरोना प्रवेश कर गया है। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि पटना में लॉकडाउन की घोषणा हुई है। पटना के डीएम कुमार रवि ने ऐलान किया है 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन रहेगा और सिर्फ आवश्यक सुविधाओं को ही अनुमति दी गई है। केंद्रीय कार्यालय बंद रहेंगे, बिल्कुल बंद रहेंगे। डिफेंस और जो अन्य जरूरी सेवाएं हैं, सिर्फ उन्हें छूट मिली है। राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे, स्कूल पहले से बंद हैं और थिएटर्स पहले से बंद हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हैं, पार्क्स बंद होंगे। और तो इस तरीके से लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान हुआ है और कहा गया है कि महामारी से पटना को बचाना है। पटना में जिस तरीके से आपको मालूम है कि आज 235 नए केसेस आए और पटना में कुल संख्या हो गई है 1349, तो 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन। बचिए पटना के लोगों, बचिए, अपने को बचाइए, क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले में कोरोना प्रवेश कर गया है और इसे बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब आप पर दायित्व बनता है। देखिए, हम मीडिया वाले तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हमारी ये ड्यूटी है, हम आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए हम मोर्चे पर रहते हैं। तो आपको बचना है तो कंप्लीट लॉकडाउन, राज्य सरकार के दफ्तर बंद, केंद्रीय कार्यालय के दफ्तर बंद, फिर से सभी धार्मिक संस्थान, स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद किए जा रहे हैं, वहाँ दर्शन नहीं होंगे। अभी जो व्यवस्था थी उसे भी निरस्त किया जा रहा है, मतलब पूर्ण रूप से बंदी होगी। और यह कहा गया है कि जो जरूरी सेवाएं जैसे ग्रॉसरी शॉप, पीडीएस की दुकानें, वो खुलेंगी। एक निश्चित समय उसके लिए भी निर्धारित किया गया है कि वो कब से कब खुलेंगी। पेट्रोल पंप पर खुले रहेंगे, दवा की दुकानें खुली रहेंगी, हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, जो प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो चलते रहेंगे, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज चलते रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन अब पटना को बचाने के लिए बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए यह भी कह दिया गया है कि जो दुकानें हैं शॉप्स रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल और सब्जी की दुकानें हैं, मछली और मीट की दुकानें हैं, वह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक ही खुली रहेगी। तो घरों से मत निकलिएगा। देखिए, पटना की जो स्थिति भयावह हुई है उसमें आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने बंदी से तोड़ी। मैं पढ़ रहा था कि देखिए, लॉकडाउन एक साइंस है कोरोना को रोकने का, और अनलॉक एक आर्ट है। तो उस आर्ट में जो कला है उसमें हम अपने को अनलॉक करने में विफल रहे, हमने बंदी से तोड़ी। सड़कों पर जिस तरीके से लोग निकल रहे थे और जिस तरीके से जो बंदिश के नियम थे, अनलॉक के जो नियम बनाए गए थे, उसे लोग धज्जियां उड़ा रहे थे, जिस तरह से दुकानों में भीड़ जुट रही थी, हमने स्वयं को महामारी की चपेट में ला दिया और कोई नहीं बचा। देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, अब बात कही जा रही है कि चुनाव को भी टाला जाना चाहिए। तो ये तमाम सारी बातें हैं और इस बीच पटना में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, पटना के डीएम कुमार रवि ने ऐलान किया है। अब आपको सभी कुछ बंद रहेगा, जो आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर, जो मीडिया को छूट दी गई है, जो हेल्थ पर्सन को छूट दी गई है, जो दवा दुकानों को छूट दी गई है। तो आपको घरों में बंद रहना है, आपको बेहद सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए अपने को बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हमें Twitter पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।